एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां पर सभी लोग खुश थे और एक दूसरे से प्यार से मिलते थे। गांव के सबसे छोटे परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल बहुत ही समझदार और चतुर था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। राहुल के पिताजी रमेश जी वो गांव के सबसे बड़े किसान थे। गांव में सबसे ज़्यादा फसल उन्हीं की होती थी, परंतु एक बार बारिश के कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई और उनको बड़े कर्ज में डाल दिया। इस कारण रमेश जी बहुत परेशान रहने लगे और उनकी परेशानी के कारण घर के माहौल पर भी असर पड़ने लगा। राहुल ने देखा कि उसके घर में चिंता और परेशानी की लहर चल रही है। उनकी माँ सुमन जी भी घर के खर्चों को कम करने के लिए कोई न कोई रास्ता खोज रही थी। राहुल जो बचपन से ही समझदार था, सोचने लगा कि कैसे वो अपने घर की मदद कर सकता है। उसको एक दिन एक ब्रिलियंट आइडिया आया। राहुल ने गांव के सरपंच से मिलने का फैसला किया। सरपंच राम सिंह जी बहुत ही समझदार और अच्छे व्यक्ति थे। राहुल ने उनसे मिलने के लिए उनके घर पर जाने का फैसला किया और वहां पहुंचकर अपना सारा मसला समझाया। सरपंच ने राहुल को समझाया कि गांव में एक नई योजना चल रही है जिसके तहत गांव के युवा अपने स्किल का इस्तेमाल करके रोजगार पा सकते हैं और साथ ही अपने परिवार की और अपने गांव की आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। राहुल ने उस योजना के बारे में और जानकारी ली और उसने तय किया कि वो भी इसमें हिस्सा लेगा। उसने अपनी स्किल और टैलेंट का इस्तेमाल करने वाले एक समूह को भी साथ में ले लिया। राहुल और उसके दोस्त मनीष और अंजलि ने मिलकर एक बिजनेस प्लान तैयार किया। उनकी योजना थी कि वो गांव में एक गोबर प्लांट शुरू करेंगे जिसमें गांव के लोग अपने घर के गोबर और कचरे को डालकर गैस बना सकते हैं और उसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। राहुल मनीष और अंजलि ने मिलकर अपना बिजनेस प्लान सरपंच को बताया और उनसे मदद मांगी। सरपंच ने उनकी योजना को पसंद किया और उन्हें गांव के खाली जमीन पर एक गोबर गैस प्लांट शुरू करने की परमिशन दे दी। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के लोगों को समझाया और बताया कि कैसे गोबर गैस प्लांट उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ला सकता है और उन्हें रोजगार का मौका दे सकता है। गांव के लोगों ने राहुल अंजलि और मनीष की योजना को समझा और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। सभी ने मिलकर काम शुरू कर दिया। गोबर गैस प्लांट बनाने में थोड़ा समय लग गया, परंतु लोगों का हौसला भी कम न हुआ था। राहुल ने अपने स्किल का इस्तेमाल करके गोबर गैस प्लांट को संभालने में माहिर बन गया। मनीष और अंजलि ने मार्केटिंग और अन्य दूसरे काम संभाले थे। जल्द ही गांव के लोगों ने गोबर गैस प्लांट को अपना एक जरूरी हिस्सा समझा और अपने घर के कचरे और गोबर को प्लांट में डालने लगे। प्लांट से बनी गैस को राहुल मनीष और अंजलि बेचकर पैसे कमाने लगे। इससे गांव की स्थिति में आर्थिक सुधार आया और लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ गए। राहुल मनीष और अंजलि का यह सफल व्यापार गाँव के सबसे लोकप्रिय व्यापार में से एक बन गया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें सफल बना दिया जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। एक दिन एक न्यूज़पेपर ने राहुल अंजलि और मनीष के योजना पर एक आर्टिकल पब्लिश किया। एक बड़ी डेयरी कंपनी ने राहुल मनीष और अंजलि को अपना साथ देने का एक प्रपोजल दिया। कंपनी ने उन्हें अपना साथ देने के लिए एक अच्छी डील दी और उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट दिया। राहुल मनीष और अंजलि ने इस मौके को हाथ में ले लिया और बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए कंपनी के साथ मिलकर के काम करने का फैसला लिया। उनकी योजना और प्लान की सफलता के बाद गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, लोगों को रोजगार का अवसर मिला और गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। राहुल मनीष और अंजलि ने अपने सपनों को पूरा कर लिया।
इससे उनके परिवार वालों को भी गर्व महसूस हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत, लगन और सही दिशा में व्यापार करने से सफलता हासिल की जा सकती है। एक अच्छी योजना, सही तरीके से मार्केटिंग और समझदारी से काम करने से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। एक सफल व्यापार से लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या उसकी सोच रहे हैं तो उसके लिए योजना बनाएं और उस पर जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक अपना प्रयास जारी रखें।